नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जनकेज। सो गाइस, आज होने वाला है तीसरा मैच सलीम स्पार्टन वर्सेस नेल्लई रॉयल किंग्स के बीच में, NDPL यानी तमिलनाडु प्रीमियर लीग के बीच में। सो गाइस, यहां पर अभी तक जो बात करें दोनों ही टीम की, सलीम स्पार्टन का ये पहला मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन यहां पर नेल्लई रॉयल किंग्स ऑलरेडी एक मैच खेल करके आ चुकी है जिसमें वो उसने जीत हासिल करी है, और सलीम स्पार्टन भी चाहेगी कि भाई हम ये मुकाबला जीते। तो फिर देखते हैं भाई आज क्या होने वाला है, कि कौन सी टीम मुकाबला लेकर के जा सकती है, कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम जीतेगी, फुल टीम प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। स्पेशली बट अपने टॉपिक की ओर, तो गाइस सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वेन्यू की, मुकाबले की कहां पर होने वाला है। तो गाइस ये मुकाबला होने वाला है सैटरडे 25 जून 2022 शाम को 7:15 पर स्टार्ट होगा, इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड में होने वाला है। अगर जो बात करें पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट के मामले में यहां पर अभी तक टोटल 51 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से टारगेट डिफेंड मैचेस यहां पर 25 जीते गए हैं और टारगेट चेज किया गया 23 बार, यानी कि यहां पर टारगेट डिफेंड के चांसेस ज्यादा है। अगर जो कोई भी बंदा मतलब टॉस जीतती है कोई भी टीम, तो आई थिंक मेरे हिसाब से पहले टारगेट डिफेंडिंग के लिए हम लोगों को लेना चाहिए, यानी कि हम लोगों को पहले बॉलिंग लेनी चाहिए। सो फिलहाल तो बात करेगा जो यहाँ पर मैच रहेगी, तो 3 मैच यहाँ पर टाई हो चुके हैं। और अगर जो बात करें फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 166 है और टारगेट जो चेज हो सकता है 162 का है, यानी कि अगर जो फर्स्ट एवरेज जो हमें पहला जो मतलब जो पहली टीम आएगी उसका ज्यादा 166 तक का रन देखने के लिए मिल सकता है, और टारगेट चेजिंग रन जो है यहाँ पर 162 रन का है। और यहाँ पर टारगेट डिफेंड की बात करें तो 178। तो कभी कभार ये होता है कि मतलब इस वाले मैच पिच की जो है ना खासियत है कि अभी तो एकदम ही कम रन बनते हैं, कभी एकदम ही ज्यादा बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर ये जो ना ड्राई और हार्ड पिच है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन सी रहती है बॉलर्स और बैट्समैन के बीच में, आपस में बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती रहती है। इस वजह से यहाँ पर जो है रन का ना कुछ फिक्स नहीं कह सकते कि भाई इतने रन बनेंगे। फिलहाल तो हम लोग ये कह सकते हैं फर्स्ट प्लेऑफ में हम लोगों को 40 रन तक 40 से ज्यादा रन देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल तो बात करें दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 की, सो प्लेइंग 11 की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेल्लई रॉयल किंग्स की। सो नेल्लई रॉयल किंग्स अपने पहला मैच जो है जीत करके आ रही है, सो आई डोंट थिंक कि उन्होंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस करे हैं, जैसा उन्होंने पहले ही बाहर आए थे सेम टू सेम वैसे ही लेकर के आ रहे हैं अपनी प्लेइंग 11 के। एल सूर्य प्रकाश, परदोस पोल, बाबा अभिजीत, जी अचेतेश, संजय यादव, जितेंद्र कुमार, एम सजहन, एन एस हरीश, त्रिलोक नाग, वी ए डेविनसन। सो गाइस यहाँ पर अगर जो बात करें नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम की बैटिंग की, तो भाई देखो पता है जब हमें पहली बार ये जो इनका मैच खेला गया था उसमें देख करके लग रहा था भाई बैटिंग बहुत ही ज्यादा खराब सी चल रही है, मतलब बैटिंग को देख करके हम लोग ये नहीं कह अंदाजा लगा दे पा रहे थे कि भाई बैटिंग खराब है या सही है। पर उसके बाद जो उन्होंने बाद में जो चौथी विकेट गिरने के बाद जो उन्होंने कमाल करा भाई, मतलब कमाल ही कर दिया उनके बैट्समैन में, तो इसलिए कहूंगा कि इनकी बैटिंग जो है ना एक मतलब कहते हैं अनएक्सपेक्टेड है भाई, पता नहीं कब कहाँ चल जाए, तो इसलिए मैं कहूंगा कि बैटिंग जो है इनकी गुड है, मतलब अच्छी है। और लेकिन जो यहाँ पर बॉलिंग है ना, बॉलिंग और स्पिनिंग भाई एक एवरेज मीडियम की है, स्पिनिंग मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, बॉलिंग भी एक एवरेज मीडियम की, तो मैं कहूँगा कि दोनों बॉलिंग और स्पिनिंग दोनों ही इनकी ज़्यादा खास नहीं है, ख़राब तो मैं कहूँगा नहीं बट खास नहीं है कुछ कहूँगा, कुछ स्पेशलिटी नहीं है। फिलहाल वही बात करें दूसरी ओर सलीम स्पार्टन की, तो भाई सलीम स्पार्टन में यहाँ पर है आरजेविन, एस अभिषेक, जफर कमाल, अक्षय स्पिनवसन एंड आर ऋषि, विजय शंकर, वॉशिंगटन सुंदर, एस गणेश, मुर्गन अश्विन, एम गणेश मूर्ति एंड जी प्रियस्वन। तो गाइस देखो यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने नाम भी सुने सुने से लग रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर और यहाँ पर अश्विन का नाम भी सुना होगा, तो ये जो है ना T20 के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई सलीम स्पार्टन की जो है ना काफी ज्यादा अच्छी टीम है बैटिंग के मामले में, बहुत मतलब बैटिंग के मामले में अच्छा नहीं कहूंगा, एक एवरेज लेवल पे बहुत ही अच्छे हैं बैटिंग के मामले में, इन्हें गुड कहना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉलिंग है ना भाई, बॉलिंग इनकी काफी ज्यादा अच्छी है, बॉलिंग के मामले भाई बॉलर्स इनके पास स्पिनर्स तो भाई कमाल गया, वॉशिंगटन सुंदर और यहाँ पर अश्विन है भाई, मुर्गन अश्विन तो भाई आप लोगों को पता है T20 के चैंपियन रह चुके हैं, मतलब T20 के काफी अच्छे एक्सपीरियंस है, इसलिए कहूंगा कि स्पिनिंग के मामले में बहुत ही अच्छे हैं और बॉलिंग के जो पीस गेमिंग और फास्ट बॉलिंग है उसमें भी ये ठीक ठाक है। तो यानी कि टोटल ओवरऑल बात करें बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और स्पिनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है इनकी। वहीं अगर जो दोनों ही टीम के लास्ट 6 मुकाबलों की बात करें कि भाई दोनों ही टीम को लास्ट 6 मुकाबलों में क्या स्कोर रह चुका है, तो सलीम स्पार्टन के अभी तक यहाँ पर 2 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस हारे हैं, यानी कि 6 में से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 4 मैचेस हारे हैं। और बैटिंग एवरेज स्कोर रहा है इनका 142 का रहा है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग एवरेज स्कोर ठीक ठाक मेंटेन कर रखा है 7.5 का। वहीं बात करें नेल्लई रॉयल किंग्स की लास्ट 6 मुकाबलों के, तो यहाँ पर 4 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं, यानी कि नेल्लई रॉयल किंग्स हम लोग को इस मामले में काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो था थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोगों को गड़बड़ सी लग रही थी, देखने में लग रहा था नेल्लई रॉयल किंग्स हार सकती है जीत सकती है, बट आई डोंट थिंक कि क्या होगा। फिलहाल तो बात करें बैटिंग एवरेज स्कोर की 153 का, जो कि
सलीम स्पार्टन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बॉलिंग एवरेज स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 7.67 का, यानी कि यहाँ पर जो है मतलब एवरेज स्कोरिज हैं निले रोइंग इंग्स के ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। फिलहाल तो बात करें हेड टू हेड की दोनों ही टीम की, यहाँ पर सलीम स्पार्टन ने 3 मुकाबले जीत चुके हैं, निले रॉयल किंग्स 2 मुकाबले जीत चुके हैं, यानी कि हेड टू हेड के मामले में तो भाई देखो सलीम स्पार्टन जीती पड़ी है और यहाँ पर लास्ट 6 मुकाबलों के में तो भाई वो जीती पड़ी है दूसरी टीम, यहाँ पर निले रॉयल किंग्स जीती पड़ी है अगर जो हम लास्ट 6 मुकाबलों के बाद, तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि कौन सी टीम जीत के जा सकती है कौन सी टीम हार के जा सकती है। तो यहाँ पर जो मेन जो मुकाबला होगा ना बैटमैन वर्सेस बॉलर्स के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर सलीम स्पार्टन के जो बॉलिंग्स है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उनका बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर दूसरी ओर निले रॉयल किंग्स के बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है, तो यानी कि बैट्समैन वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला होने वाला है। सो देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी टीम जीतेगी। अगर जो हम लोग विन परसेंटेज की बात करें तो इस विन परसेंटेज में 50-50 रखूंगा, और अगर जो आप लोग मेरी प्रिडिक्शन जानना चाहते कि कौन सी टीम ये मुकाबला लेकर के जा सकती है, तो मेरे हिसाब से मुझे जो पर्सनल लगता है सलीम स्पार्टन यहाँ पर ये मुकाबला मे भी लेकर के जा सकती है। वो क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को मैच में पता चल जाएगा। फिलहाल तो गाइज अगर जो आप लोगों की कोई और कमेंट हो, आप लोगों को जो आप लोगों की कुछ राय हो कि आप लोगों को लगता है कि कोई टीम जीत सकती है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जाने से पहले छोटी सी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।